निकट भविष्य में तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ता है और मानव जाति अंतरिक्ष में स्थानांतरित होने का निर्णय लेती है। तकनीक काफी उन्नत हो गई है, जिससे लोगों को पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय विमानों के बीच आश्रयों का निर्माण करने की अनुमति मिलती है। मनुष्य लगभग 80 आश्रयों का निर्माण करने में सक्षम थे, जिनमें से आश्रय 812 और 13 एक विद्रोह शुरू करने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। इन उपनिवेशों द्वारा एड्रियन गणराज्य का गठन किया गया था और उन्होंने पृथ्वी और अन्य आवासों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया था। कई दशकों से मित्र देशों की सेना और एड्रियन गणराज्य इस बीच युद्ध में रहे हैं। मानव जो हथियार बनाने के लिए धरती पर रहते हैं, जिसमें घातक मुकाबला AIS भी शामिल है, और इसे संबद्ध बलों तक पहुंचाते हैं। फिर उन्हें कैप्टन युनझांगी से मिलवाया गया, जो वर्तमान में जाग रहे हैं। विस्फोट के बाद सुनसान जगह स्वायत्त रोबोट उसका पीछा कर रहे हैं और वह तेजी से सटीक शॉट्स और अपने हथियार हुक के अभिनव उपयोग के साथ खुद का बचाव करती है। हालांकि लड़ाई के दौरान उसने ये खुलासा करते हुए उंगलियों में गोली मार दी कि वह वास्तव में तारों से बनी है। और तभी कैप्टन युंग को निष्क्रिय कर दिया गया और पूरे परिदृश्य को एक आभासी युद्ध सिमुलेशन के रूप में दिखाया गया, जो पिछले 35 वर्षों से कोमा में है। संयुक्त राष्ट्र को एकमात्र व्यक्ति माना जाता था जो गृह युद्ध को समाप्त कर सकता था यदि उसने अपने अंतिम कार्य को अंजाम दिया, जिसे वह कथित रूप से विफल रही। और वर्तमान में क्रोनोइड नाम की एक टेक कंपनी अपने मस्तिष्क के एक डुप्लीकेट का उपयोग कर रही है ताकि सही सैनिक रोबोट बनाने की कोशिश की जा सके, जिसे गुना किया जा सके और परियोजना का मुकाबला करने के लिए तैनात किया जा सके, जिसका नाम झांक 2 है। और टीम का नेतृत्व कैप्टन युन स्टार्टर CEO कर रहे हैं, जिन्हें अपनी माँ को बार बार मरते हुए देखना है। बाद में क्रोनोस्टेक के निदेशक किम सांग हून सिमुलेशन की स्थिति के बारे में ऊपरी प्रबंधन को एक प्रस्तुति देते हैं। वह बताते हैं कि मानव का अंतिम मिशन उस स्रोत के रूप में कार्य करता है जिससे AIS के सभी डेटा की नकल की गई थी। वैज्ञानिक उसके मस्तिष्क से कॉम्बैट मेमोरी डेटा निकालने की कोशिश करने के लिए कई सिमुलेशन करते हैं, लेकिन युन अपने अंतिम कार्य में विफल रही, इसलिए सिमुलेशन में भी वह हर बार मर जाती है। ये सुनकर ऊपरी प्रबंधन जंग की परियोजना से निराश दिख रहा है। प्रस्तुति के बाद निर्देशक किम और सोए उनके बीच एक निजी बैठक हुई। किम ने जोहान को आश्वासन दिया कि उसे उसका पूरा समर्थन है और अध्यक्ष को उससे बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने 10 साल पहले चेयरमैन के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें पता है कि सोया हॉन तब लिया गया था जब वह एक छोटी बच्ची थी जिसने अपनी माँ को खो दिया था। बाद में एंड्रॉइड पर कुछ परीक्षण चलाने के बाद एक नया स्टाफ सदस्य को अमानव के साथ बातचीत शुरू करता है। वह इस अवसर का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए करता है कि वह यहाँ काम करने के लिए कितना रोमांचित है, क्योंकि वह हमेशा कैप्टन युआन की प्रशंसा करता था, लेकिन स्थिति बताती है कि उसकी माँ कभी हीरो बनने की ख्वाहिश नहीं रखती थी। एक बच्चे के रूप में कैंसर का पता चलने के बाद वह CIA के उपचार के लिए भुगतान करने के लिए भाड़े पर बनी। वह हर बार रोती थी जब उसकी माँ युद्ध के लिए जाती थी और उसकी सर्जरी के दिन भी उसकी माँ की मृत्यु की स्थिति होती थी, जिस दिन वह लोकल ट्रेन से निकलती है जहाँ वह एक माँ को अपने बच्चे के साथ संबंध बनाते हुए देखती है। तब वह आखिरी बार याद करती है जब उसने सेलियाहुड की प्रक्रिया से ठीक पहले अपनी माँ को देखा था। दोनों ने एक दूसरे के गाल सहलाए और सहलाए। जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचती है तो सोएहुन अपना वार्षिक नैतिकता परीक्षण लेने जाती है, जिसे हर किसी को यह सत्यापित करने के लिए देना होता है कि वे रोबोट नहीं हैं। फिर वह एक नियमित शारीरिक जांच के लिए अपने डॉक्टर के पास जाती है। दुख की बात है कि एक्सरे स्कैन से पता चला कि उसका बचपन का कैंसर वापस आ गया है और अब उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने हैं। डॉक्टर बताते हैं कि करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुरंत उसके मस्तिष्क का क्लोन बनाया जाए और एक कृत्रिम अंग में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि कानून अब ऐसा करने वाले लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन वे केवल उन लोगों की रक्षा करते हैं जो टाइप A के साथ ऐसा करते हैं जो काफी महंगा है। टाइप B भी है जो कम खर्चीला है, लेकिन शादी, आने जाने और गोद लेने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार खो देता है। अंतिम विकल्प टाइप C है, जिसे सरकार मुफ्त देगी। हालांकि कुछ निगमों को अपने मस्तिष्क डेटा का उपयोग करने और उससे क्लोन बनाने की अनुमति होगी, तो मानव कहती है कि वह इसके बारे में सोचेगी और चली जाएगी। जबकि हम देखते हैं कि डॉक्टर भी एक रोबोट है। वह फिर अपनी माँ को देखने जाती है, जो केवल दिमाग और धड़ है। दृश्य तब CEO मनुष्यों के बचपन के फ्लैशबैक में बदल जाता है। वह याद करती है कि उसकी माँ उड़ान में बच गई थी, लेकिन वर्तमान में एक गंभीर स्थिति में है। क्रोनोस टीम एक मानव और उसकी दादी को देखने के लिए एक यात्रा खेलती है, जो अनुरोध करती है कि उसकी दादी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वे को मानव शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए उसकी दादी के बदले में युवा मोज को टाइप C में विकसित करने के लिए भुगतान करेंगे। कुछ दिनों बाद आई मॉडल नंबर 18 को सक्रिय कर दिया गया है और क्रोनोइड में सिमुलेशन के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले किम टीम को एक अलग परिणाम प्राप्त करने से पहले एंड्रॉइड को पैर में शूट करने का निर्देश देता है।
जब यून अनुकरण में जाता है तो वह पैर के घाव से अत्यधिक दर्द में है और उसकी माँ को आपको पीड़ित देखने के लिए आपके पेशाब में दर्द होता है और दर्द से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से बाहर निकल जाती है और उसकी लड़ने की इच्छा क्षीण होने लगती है। लेकिन जैसे ही वे परीक्षा समाप्त करने वाले हैं, कृत्रिम मस्तिष्क का एक नया खंड, जिसे प्रकाश के पीले स्ट्रोक द्वारा दर्शाया गया है, चालू हो जाता है और रोबोट पूरी ताकत से वापस लड़ता है। निर्देशक किम इस विकास से बहुत खुश है और अगले दिन इसे बॉस को दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। टीम इस प्रगति के बारे में कंपनी के अध्यक्ष को सूचित करने के लिए अपने मुख्यालय क्रोनो की यात्रा करती है, लेकिन इसके बजाय उन्हें सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष व्यस्त हैं और नए उत्पाद विकास निदेशक द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जो किम की आवश्यकता से हैरान है। उत्पाद विकास विभाग, क्योंकि कंपनी के पास पहले कभी कोई नहीं था, क्योंकि यह केवल हथियार बनाती है। उन्हें चिंता है कि हथियारों के विकास को कम किया जाएगा, लेकिन उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया और समूह ने बिना जवाब दिए वापस भेज दिया। वापसी के रास्ते में किम नए कर्मचारी का अपमान करता है और वादा करता है कि वह अध्यक्ष के सपने को जीवित रखेगा। कुछ दिनों के बाद टीम अपने आगामी रोबोट परीक्षण के लिए नए तत्वों पर विचार कर रही है। एक स्टाफ सदस्य किम और सीओ मानव को सूचित करता है कि अध्यक्ष अपने कार्यालय में हैं। जिस तरह से किम अलौकिक से पूछती है कि वह उसकी नैतिकता की परीक्षा ले रही है, क्योंकि उनके लिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वह अपनी माँ के साथ प्रयोग के रूप में काम करते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर है, क्योंकि वे चलते हैं। किम तुरंत निष्क्रिय हो जाता है और यह आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि वह पहला प्रोटोटाइप है, स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाया गया। इस बीच सीआई मानव अध्यक्ष को अपनी अद्भुत सफलता के बारे में बताता है, लेकिन वह अभिभूत है। इसके बजाय वह घोषणा करता है कि एड्रियाटिक गणराज्य और संबद्ध बलों के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं और गृह युद्ध अब समाप्त हो गया है, क्योंकि लड़ाई आईएस की अब आवश्यकता नहीं होगी। वह सह मानव को झांक दो परियोजना को बंद करने का निर्देश देता है। चेयरमैन ने पहले ही योजना बना ली है कि वे एआई के साथ घरेलू सेवाओं का निर्माण शुरू करेंगे। वह आगे खुलासा करता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह उसे नष्ट कर देगा। कुछ घंटों के बाद टीम काम पर लौट आती है, क्योंकि लक्ष्य बदलने से पहले परियोजना को ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। यू उसी स्थिति में मरना जारी रखता है और किम क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वे नए मस्तिष्क क्षेत्र को फिर से बाहर करने के लिए ट्रिगर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें लगता है कि यह कुछ चरम विचारों का समय है। वह मान करता है कि मस्तिष्क के पीले हिस्से को सक्रिय करने के लिए एक हाथ काट दिया जाए, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। हताशा में किम प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और एआई को आग लगा देता है, जिससे वह दर्द में रोने लगती है। स्थिति को सहन करने के लिए ये सब बहुत अधिक है, इसलिए वह अपनी माँ के दुख को समाप्त करने के लिए सिस्टम को बंद कर देती है, और बंद कर देती है क्योंकि वह गुस्से में किम के सिर पर बंदूक तानने से इनकार कर देती है। यह उनके बीच एक उग्र बहस का कारण बनता है, लेकिन वे एक स्टाफ सदस्य द्वारा बाधित होते हैं, जो किम को सूचित करते हैं कि अध्यक्ष उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किम बिना कुछ कहे चली जाती है और सीओ ह्यूमन अपने कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये कॉल करने का समय है, इसे परियोजना पर छोड़ देता है, लेकिन वह उनसे उन सभी डेटा को संकलित करने के लिए कहती है जो उन्होंने एकत्र किए हैं, और कुछ समय बाद उसे दे देते हैं। सह मानव उसके फेफड़ों में दर्द को अनदेखा करता है और उसके अविश्वास के डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी ने उसकी माँ के दिमाग को उसकी जानकारी के बिना आखिरी बार स्थानांतरित कर दिया है। जैसे ही वह जांच करने जाती है, उसे पता चलता है कि जेक्यू उसकी माँ के क्लोन के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा था। रोबोट को कंबल से लपेटने के बाद यहाँ एक क्रोधित सीईओ जैक यंग को अलमारियों के खिलाफ खड़ा करता है और उस पर विकृत होने का आरोप लगाता है। हालांकि वह उसे बताता है कि वह निर्दोष है और उसे मुख्यालय से महान भाड़े के उत्पाद के विकास का परीक्षण करने के आदेश दिए गए थे। मुख्यालय का मानना है कि एक युद्ध नायक के रूप में उसकी छवि अविश्वसनीय रूप से लाभदायक हो सकती है, यदि आप यहाँ यौन संबंध रखते हैं और विश्वास नहीं कर सकते कि वह क्या देख रही है। और वह हैरान और क्रोधित है कि आपकी माँ की यादों और चेतना को इस तरह के उपयोग में लाया जाता है। बाद में सह मानव किम से मिलता है, जो इस बात से भी दुखी है कि नशेड़ी समाप्ति की योजना बनाता है, लेकिन जाने से पहले उसने उसे सूचित किया कि टीम को एक आखिरी सिमुलेशन परीक्षण सह मानव की अनुमति है, और फिर वापस आती है अनुसंधान समाप्त होने से पहले रोबोट के साथ समय बिताने के लिए प्रयोगशाला में। जब यू सह मानव जागता है तो दर्द संवेदकों को कम करता है और उसकी माँ को सूचित करता है कि उन्होंने उसे दुश्मन से बचा लिया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गई है, इसलिए वह शांति से मरने में उसकी मदद करेगी जब वह यहाँ आएगी और उसे बंद करने वाली है।
मस्तिष्क का पीला हिस्सा प्रकट होता है और यूं चौंकाने वाला पूछता है कि क्या उसकी बेटी प्रक्रिया से बच गई। जब सह मानव का कहना है कि सर्जरी सफल रही, यूनिस ने राहत महसूस की और स्वीकार किया कि वह अपनी बेटी द्वारा दी गई छोटी गुड़िया को खोने के लिए दोषी महसूस कर रही थी, जो कि एक सौभाग्य आकर्षण थी। सीओ यहां और फिर डॉट्स को जोड़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि गुड़िया को पास में देखकर सभी रोबोट सिमुलेशन में विफल हो गए, जिसने उसे लड़ाई से हटा दिया। वह फिर रोबोट को बंद कर देती है और अपने पछतावे के साथ रोने लगती है। अगले दिन सीओ मानव चीजों को बंद करने से पहले एक और अनुकरण की मांग करता है। वह टीम के अन्य सदस्यों से कहती है कि वह चीजों को अपने आप सेट कर लेगी और उन्हें जाने के लिए कहेगी। एक बार वे चले गए, वह ह्यून मोच के पीले हिस्से को मिटा देती है जिसमें उसकी बेटी की यादें होती हैं। जल्द ही परीक्षा शुरू होती है और हर कोई चिंतित है क्योंकि यह उनका अंतिम है। बाजार की स्थितियों से बेहतर शून्य अनुमतियों और तत्काल अतिरिक्त निकासी के साथ व्यापार। जैसा कि अपेक्षित था, इकाइयों ने एक ही समय में गोली मार दी और जमीन पर गिर गई। सिमुलेशन परीक्षण में एक बार और असफल होने पर जे किम कुछ अजीब संकेतों को नोटिस करता है जो दिखाते हैं कि मस्तिष्क की प्रतिक्रिया कमजोर है, लेकिन किम को परवाह नहीं है क्योंकि परियोजना पहले ही खत्म हो चुकी है। अन्य कर्मचारी रोबोट को दूर ले जाते हैं और किम अपने कमरे में अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि उसने भी कुछ असामान्य देखा है। वह फिर प्रयोगशाला में लौटता है और अनुरोध करता है कि अनुकरण को धीमी गति में फिर से चलाया जाए। इससे उसे पता चलता है कि यून को वास्तव में गोली नहीं मारी गई थी, वह केवल गिरने का नाटक कर रही थी और सामान्य स्थिति में आ गई थी। किम तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और आपातकालीन लॉकडाउन की घोषणा करता है। इस बीच आप हंगामे का फायदा उठाते हैं और गार्ड को खदेड़ना शुरू कर देते हैं जब किम को पता चलता है कि वह मानव सह मानव का पता लगाने और उसे खत्म करने के लिए सभी लड़ाई या प्रोटोटाइप को सक्रिय करता है। दूसरी ओर लैब में वापस चला जाता है और सभी मूल परियोजना डेटा को हटा देता है ताकि उसकी मांग को फिर से दोहराया न जा सके। बाद में यंग एक रास्ता खोजता है और दर्जनों रोबोटों से भरे एक कमरे में ठोकर खाता है जो उसके जैसे दिखते हैं। तभी किम की सुरक्षा रोबोटों की सेना उसे ढूंढ लेती है और वे एक भयानक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दूसरी ओर यूरिन एक महान योद्धा है और वह सहजता से उन सभी को हरा देती है, लेकिन जब बड़ी संख्या में एआई का आगमन जारी रहता है तो सह मानव सही समय पर अपनी मां की मदद करने के लिए कक्ष की ओर भागता है। वह अपने दिमाग को सभी को बेवकूफ बनाने वाली नई लड़ाई एआई मॉडल में स्थानांतरित करती है। माँ बेटी की जोड़ी फिर स्काई ट्रेन में गतिविधियों से भाग जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे अकेले नहीं है क्योंकि किम उनका इंतजार कर रही है। ट्रेन छूटने के बाद किम ने सहुन पर आरोप लगाया कि चेयरमैन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए वह नाराज है और यान को अपनी बेटी से दूरी बनाए रखने के लिए कहता है। ये सुनकर कि उसकी बेटी है, युवा को भ्रमित करता है, लेकिन सह मानव ये समझाने के लिए बाधित करता है कि उसने अपनी यादों से अपने बारे में सारी जानकारी हटा दी है, इसलिए वह एक नई शुरुआत कर सकती है। किम फिर सह मानव को कंधे में गोली मारता है, झागी को उस पर हमला करने के लिए मजबूर करता है और जवाब में उसे अपनी बंदूक से गोली मार देता है। इस बीच अन्य सभी मुकाबला एआईएस और पुलिस बल ट्रेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्षण भर बाद किम्बर जल्दी से लड़ाई जारी रखने के लिए उठता है, लेकिन जब वह खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखता है तो रुक जाता है। वह अपनी आँखों में देखता है और समझता है कि चेयरमैन के लिए खिलौना रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी वह जल्द ही लड़ना और हमला करना जारी रखता है जबकि एआई पुलिस उन पर गोलियां चलाना जारी रखती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सारी आशा खो गई है, लेकिन यूनिस को तब बल मिला जब उसने अपनी घायल बेटी को फर्श पर हिलती हुई देखा। वह फिर शेष रोबोटों को नष्ट कर देती है और किम को ट्रेन से फेंक देती है। जब ट्रेन पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचती है, यह अंत में रुक जाता है। यान अपने गोली के घाव के साथ सह मानव की मदद करना चाहता है, लेकिन वे सामाजिक मानव के पास आने वाले पुलिस को सुन सकते हैं कि उसके पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है। भावना से अभिभूत सीओ जो घोषणा करता है कि यून अब स्वतंत्र है और उसे जाने और अपना जीवन जीने के लिए कहता है जैसा वह चाहती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद यून छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है और वह अपनी बेटी को अंतिम रूप से दोनों को गले लगाती है और फिर अपने गालों को एक साथ रगड़ती है जैसा कि उन्होंने किया था जब सह मानव एक बच्चा था। जैसे ही मानव ट्रेन से बाहर निकलता है, सह मानव उसकी सफलता की कामना करता है और अकेला महसूस करता है कि वह बंद हो गया है। दूसरी ओर मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि वह आगे क्या सोचे या क्या करे। भले ही उनकी बेटी की यादें मिट गई हों, वह जानती है कि उसने किसी बहुत खास को खो दिया है और फिल्म समाप्त हो जाती है।